वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिलीशियस पोस्ट। फ्रेंड, डिलीशियस पोस्ट की एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक इससे पहले दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि 25 किलोमीटर से आप कैसे अपने स्क्रीन को, जो आपके वाईफाई सिग्नल है, उसको रिसीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसकी मोबाइल सेटिंग भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने उसकी मोबाइल सेटिंग, मतलब UNMS इसका जो एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो ऐप है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अपना जो IP है वो देंगे इसमें, और जो ये आप IP देंगे तो इसके बाद आपके साथ ये होगा कि आप इस तरह का ऐप खुल जाएगा आपका। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे लॉगिन मांगेगा। लॉगिन बाय डिफ़ॉल्ट वो हो चुका है। अब ये कह रहा है कि वाईफाई इज़ टर्न्ड ऑफ। तो आपने क्या करना है, हमने वाईफाई जो है वो ऑन करनी है। ये वाईफाई अभी ऑन हो जाएगी। अभी कह रहा है कि अननोन है। जो ही वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी, ये देखिए कनेक्ट हो गए। अब इसमें दो किस्म की जो है हमारे पास पावर बीम है। एक की IP हमने रखी है 192.168.1.21। अब जो ये 21 है ये हमारे पास AP है, और ये जो 22 है ये हमारे पास स्टेशन है। AP का मतलब ये है कि AP एक्सेस पॉइंट होता है जहाँ से हमने नेट को सप्लाई करना है, और जो स्टेशन होता है उसमें का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पे स्टेशन में अपने सिग्नल रिसीव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेटिंग पे जाते हैं। एक लेट सपोज़ मैं इसकी दोबारा जाता हूँ, इसकी सेटिंग पर मैं जाता हूँ, एंटीना सेटिंग की तरफ हम जाते हैं। क्यों, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन आ जाता है। अब चूँकि हमारे बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र ने पासवर्ड हमने इसके दिया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो सिग्नल है वो गुड सिग्नल है, -65 dBm, जो कि बहुत बेस्ट सिग्नल माने जाते हैं। तो -70 से जो नीचे होते हैं वो अच्छे सिग्नल माने जाते हैं। अपलोडिंग स्पीड इसकी है 1.6.4 9 MBPS, लेकिन ये नॉर्मली 1 MBPS ही होती है, और जो डाउनलोडिंग स्पीड है ये है 123 kbps, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी कंप्लीट सेटिंग हम कर चुके हैं, सिर्फ और व्यू है। जो हमारी एयर मैक्स क्वालिटी है वो 82% है, कैपेसिटी ये है, ट्रांसमिट CCQ 99% है, और ट्रांसफ़र जो है वो 26 dBm है। फ्रीक्वेंसी जो चैनल विड्थ है वो 20 MHz है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है 20 MHz की है, तो इसलिए 90 से 8 to 10 शो करे। एक्सेस पॉइंट है, ब्रिज इसकी मोड है, ये इसकी वाईफाई है, ठीक है। अब हम ज़रा क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग में हमारे पास ये आप देख सकते हैं, सेटिंग की कंप्लीट, अगर आपने कोई सेटिंग करनी है इसमें तो ये कर सकते हैं, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ठीक है जी। और नेटवर्क का भी यही हाल है, ठीक है। हमने इसकी IP दी है, ये गेटवे है, और ये इसकी कंप्लीट सेटिंग हम कर चुके हैं, आपको के साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये लोकेशन एल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर आप मैप पे क्लिक करना चाहते हैं तो आपके साथ मैप ये शो हो जाएगा, ठीक है। हमने इससे बैक होना है, और फिर हमने एंटीना पे वो करनी है। साइट सर्वे पे हम थोड़ा सा क्लिक करते हैं। अच्छा, साइट सर्वे पे कोई सिग्नल शो नहीं कर रहा। मैं दोबारा सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग भी नहीं, मैंने जाना है असल में एंटीना सेटिंग में, वो आपके साथ शेयर करनी। ये देखें, एंटीना अलाइनमेंट पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो आपके साथ ये श्योर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि चैन एम्बेलेंस 23.23 dBm, मतलब ये है कि जो आपकी ट्रांसफ़र स्पीड है वो -67 है, और जो आपकी रिसीविंग स्पीड है वो है -89, तो इसकी जो बैलेंस वो है वो 22 dBm है। ये अच्छी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने जब दूसरी साइड पे जाएंगे वहाँ पे हम इसकी सेटिंग दोबारा से करनी है तो ये फिर ठीक हो जाएगी। जो ही मैं इसकी जो ये वाला स्पीकर वाला ये देखिए ऑन कर देता हूँ, ये देखिए, अब अगर हम एंटीना को हिलाएंगे सिग्नल आप होंगे या अब होंगे तो ये चेंज करता रहेगा, तो ये अच्छे सिग्नल है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ते, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास है ये वाली एंटीना जहाँ से हम बैठे हैं AP। अब हम ज़रा एक्सेस पॉइंट वाले स्टेशन वाले एंटीना पे क्लिक करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका भी यूज़र नेम पासवर्ड मैं दे चुका हूँ, तो ये मुझसे अभी नहीं मांगेगा। ये देखिए कनेक्टेड हो गया, ठीक है, लॉगिन हो गया इसमें। ये देखिए इसकी सिग्नल जो है ये आ रहे हैं -72 dBm, -70 जो है वो अच्छे सिग्नल कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो ये 72 है, तो ये भी अच्छे हैं, ठीक है। इसकी ये देखिए एयर मैक्स कैपेसिटी, मैक्स क्वालिटी, ये भी ठीक है। अगर हम इस पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं
आपने अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं इसको नहीं छेड़ता, मैंने सीधा जाना है एंटीना सेटिंग पे, ये देखे। अब जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ वही साउंड शुरू कर देगा। अच्छा, ये साउंड अब इसलिए भी ठीक, ये इसलिए भी इफेक्टिव है कि आप लेट सपोज एपी बैठे, एपी पे बैठे, एक्सेस पॉइंट पे बैठे हैं, और आप फोन पे उस वहाँ पे अगर एक बंदा लगा हुआ है जो इंटीनर को सेट करता है, तो यहाँ से आप उसको सिग्नल बता सकते हैं कि आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं या अप हो रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि रिमोट सिग्नल्स होते हैं, आवाज़ तो नहीं जा सकती। तो एक बंदा आपके स्टेशन पे होगा और एक आपकी रिसीविंग एंड पे होगा। और बेहतर यही है कि दोनों डिवाइसेस को एक जगह पे कॉन्फ़िगर करें, फिर रिमोटली आप इसको लेके जाए। लेकिन जब आप सेटिंग करते हैं या हवा की वजह से आपके इंटीनर डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर क्या करना होता है कि आपने यहाँ से ना जो है वहाँ पे आप फोन कर लें और उनसे कह दें कि आप अपनी इंटीनर की डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दे, लेफ्ट कर दे, राइट कर दे, अप कर दे, डाउन कर दे, तो ये आपको सिग्नल बताएगा। ये जब आपकी सिग्नल सेट हो जाए, फिर उसके बाद ये भी वो हो जाएगा, एम्बेलेंस ख़त्म हो जाएगी आपकी इंटीनर की। ठीक है, तो ये देखिए अब इसकी एम्बेलेंस है, ये अभी मुझे बता रहा है कि आपकी जो किलोमीटर है वो है 4.7 किलोमीटर। ठीक है एंटीना, और ये जो मेरे रिमोट वाला है, क्योंकि मैं ये अभी स्टेशन वाली साइड से इन हुआ हूँ, तो ये मुझे जहाँ पे मैं बैठा हूँ एक्सेस पॉइंट पे, ये रिमोट शो कर रहा है, ये है -65 dBm। और मेरा जो लोकल है, मतलब जहाँ से अभी चूँकि मैं स्टेशन वाली एरिया से जो है लॉग इन हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे वो लोकल बता रहा है, और जो AP मोड है वो रिमोट बता रहा है। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं, ये देखे वहाँ से जो अपलोडिंग, यहाँ से अपलोडिंग जो हो रही है वो ये है, डाउनलोडिंग ये हो रही है। ठीक है, फिर भी ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जाके वहाँ पे इसकी सेटिंग भी करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम। Yeah, I'm here.